हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में स्पेशली बात करेंगे आर के बारे में क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आर के आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रिज़ल्ट में एग्जैक्टली क्या कुछ चीज़ें हुई हैं और यहाँ से क्या कोई हमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला है या फिर नहीं सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज आर बी में एक बड़ी गिरावट थी यानी कि लगभग साढ़े चार परसेंट से ज़्यादा की गिरावट जो है वो आपको देखने को मिली और उसके पीछे का अगर आप यहाँ पर रीज़न देखोगे तो वो एक ही रीज़न है वो है क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। मैं आपको डायरेक्टली अभी नंबर्स पर लेकर चलता हूँ उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं और फिर बात करेंगे आई के टारगेट के बारे में मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ जो आर की तरफ से जो ओवरऑल पीडीएफ शेयर करी गई है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे आठ अगस्त की डेट देखने को मिल रही है अब चलते हैं सबसे पहले नंबर्स पर तो नंबर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो निकल कर आई हैं ये देखो ये रहे नंबर्स ठीक है अब यहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं ये तीन चीज़ें हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा है सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अब इनकम में दो चीज़ें होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम उसको मिलाकर टोटल इनकम बनती है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो पिछले क्वार्टर से काफ़ी हद तक कम हुआ है जहाँ पर फिगर सिक्स सेवन डबल ज़ीरो था वो फिगर केवल रह गया है फोर ज़ीरो सिक्स फोर यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ही कम रेवेन्यू हुआ है वहीं अगर हम इसको सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हो 5446 का फिगर था कम होकर रह गया है केवल और केवल 4064 यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी कम हुआ है और सेम हालत जो है वो आपको अदर इनकम के साथ भी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ड्रॉप है यानी कि ओवरऑल इनकम जो है वो कंपनी की काफ़ी हद तक कम हो गई है ये देखो ये है इनकम टोटल इनकम जो है सिक्स नाइन सेवन नाइन का फिगर प्रीवियस क्वार्टर में था जो कि इस बार केवल रह गया है फोर थ्री टू सिक्स वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें फाइव सेवन टू सिक्स का फिगर था जो कि इस बार केवल रह गया है फोर थ्री टू सिक्स यानी कि ओवरऑल कंपनी की इनकम ड्रास्टिकली फॉल होते हुए नजर आई है गिरते हुए नजर आई है अब इनकम अगर कम हुई है तो एक्सपेंसेस अगर उन्होंने मैनेज कर लिए होंगे तो फिर हमें प्रॉफिट में चीज़ें जो है वो दिख जाएंगी अब एक्सपेंसेस में जो चीज़ें आती हैं एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेशन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट डिप्रीशिएशन अदर एक्सपेंसेस इसमें देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें रही हैं तो ये है एक्सपेंसिस के फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं एक्सपेंसेस भी इन्होंने काफ़ी हद तक कम करें तो ये एक अच्छी चीज़ निकल कर आई है कि हाँ अगर इनकम नहीं हो पाई है तो खर्चे भी ज़्यादा नहीं हुए सिक्स फोर डबल ज़ीरो से फिगर कम होकर फोर ज़ीरो थ्री टू रह गया है फ़ाइव टू फाइव ज़ीरो से फ़िगर कम रहकर फ़ोर ज़ीरो थ्री टू रह गया है यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एक्सपेंसिस कम करे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंसेस कम करें हैं इसका मतलब ये है कि चलो अब प्रॉफिटेबिलिटी पर उतना इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा अब बात करें अगर आप यहाँ पर देखते प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑपरेशन बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर ठीक है तो ये फिगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये फिगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 579 से प्रॉफिट जो है बिफोर जॉइंट वेंचर टू नाइनटी थ्री रह गया है और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन यूएस पे दोनों पे ही आपको यहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती नजर आई है अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि आखिर जो प्रॉफिट फॉर दी पीरियड है वो कितना रहा है तो नाइन्थ नंबर जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो गए ये आपके सामने फिगर रखा हुआ है अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये हुए हैं सबसे बड़ी दिक्कत फोर थ्री थ्री का फिगर था पिछले क्वार्टर uh, में चलो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कभी कभी ऐसा होता है कि कम हो जाता है यहाँ पर फोर थ्री थ्री का फिगर कम रह कर केवल रह गया है टू वन सेवन लेकिन यहाँ से आप देखो थ्री 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 का फिगर था जो कि कम रह कर रह गया है टू हंड्रेड एंड सेवनटीन ये हुई है सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि अच्छी जाएगी क्योंकि इस क्वार्टर में इतने सारे ऑर्डर्स इतनी सारी अच्छी चीज़ें आर के साथ हुई लेकिन फिर भी अगर आप देखते हो तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक कम हो गया और इसी वजह से आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट जो है वो आपको देखने को मिली है अब आप यहाँ पर ये पूछोगे कि क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन आपको दिखाने यहाँ पे दिखाया या फिर कुछ हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यानी कि कंपनी की तरफ से कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जो देखने को नहीं मिला है पूरी यहाँ पर पीडीएफ देख पा रहे होगे कहीं भी आपको कोई डिविडेंड वगैरह का अनाउंसमेंट जो है वो आर की तरफ से देखने को नहीं मिला है तो ये थे पूरे नंबर्स आर के अब मैं आपको डायरेक्टली आई के टारगेट वगैरह पर लेकर चलता हूँ इस रिपोर्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ है कि आखिर आई के टारगेट वगैरह क्या कुछ हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आईआरएफसी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स तो बना कर दिए ही हैं साथ के साथ इस बार ही आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा हार्दिक मटालिया जो कि डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं चॉइस ब्रोकिंग के इन्होंने बोला है कि जो इमीडिएट सपोर्ट है वो बन रहा है वन सेवेंटी एक सौ सत्तर का और जो स्टॉक अगर एक सौ पचानवे रुपये के लेवल को रीगेन करने में अगर सफल हो जाता है सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम आई आर एफ सी के शेयर में देखने को मिल सकता है बात करी गई है कि ओवरऑल जो कॉशियस आउटलुक है अभी आई आर एफ बन रहा है यानी कि अगर आप बल्क इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अभी आपको रुकना चाहिए आपको बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो शेयर जो है एक सौ सत्तर रुपये तक नीचे जा सकता है रियांक अरोरा के अगर अगर हम देखते हैं उनके व्यू पॉइंट्स को तो इन्होंने बोला है कि अभी यहाँ से आई आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड शो कर सकता है एक सपोर्ट लेवल बन रहा है एक का यानी कि वन का वहीं जो रजिस्टेंड बन रहा है एक का और दो सौ का और अगर दो सौ के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो डेफ़िनेटली आप यहां पर देखोगे कि आई जो है वो एक बड़े लेवल दिखा सकता है इसी बीच आई ने 19 अगस्त रिकॉर्ड डेट रखी है अपना जो फाइनल uh, डिविडेंड है यानी कि सात परसेंट का पॉइंट सेवन जीरो का ठीक है तो पॉइंट सेवन जीरो का जो यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा था उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो रखी है उन्नीस अगस्त उससे पहले पहले पोजीशन बन जाती है तो डेफ़िनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे डिविडेंड का जो है वो अप्रूवल ए में मिलेगा ए आपको यहाँ पर आपको बाईस अगस्त को देखने को मिली है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैंने रख दी है अब आप मुझे अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपके अकॉर्डिंग आर के जिस अकॉर्डिंग नंबर क्या वैसे ही नंबर आपको यहाँ पर जो आई है उसके भी देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ पर आई के नंबर आर के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग हो सकते हैं फिलहाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद